हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शॉप 360 में स्वागत करता हूँ। SBI PO का प्रीलियम का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और इसमें क्या कट ऑफ लगा है वो हमारे सामने है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि अब कंपटीशन कितना बढ़ गया है। पिछले साल जो है कट ऑफ कितना था, 56, आप तो जानते ही हो। और इस साल कितना लगा है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ लगा है 71, मीन्स 56 से 71, मीन्स डायरेक्ट 15 मार्क्स से बढ़ा है। तो अगर आपका प्री क्लियर हो चुका है तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए, और अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ है तो फिर जो बाकी के एग्ज़ाम्स है, IDBI या फिर SBI क्लर्क की, जी उसमें आप पूरी तरह से फोकस कर दीजिए। या फिर अगर आपको PO ही बनना होगा तो फिर IBPS PO का आने वाला है अभी, और उसके अलावा अगर SBI में ही बनना होगा तो अब आपको अगले साल में प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ है तो, पर अगर आपका प्री क्लियर हुआ है तो आप पूरी तरह से फोकस कर दीजिए मेंस के ऊपर। और मेंस जो है वो 20 जुलाई को होने वाला है, और सेक्शनल मार्क्स हल्की से सेक्शन में कितने आए हैं वो दिए नहीं गए हैं SBI के द्वारा, ओके। उसके अलावा EWS का 68.25 का कट ऑफ लगा है, OBC का 68.25, OBC और EWS का सेम लगा है, SC का 61.75 और ST का 54.75। मीन्स ये कट ऑफ जो है SC का वो पिछले साल के जनरल से ज़्यादा है, और ST का देखिए। पर ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो लेवल है प्रीलियम का वो बहुत ही इजी लेवल का था 2019 में बहुत ही इजी लेवल का पेपर आया था प्रीलियम में, उसकी वजह से हुआ ये। तो जो जैसा कि मतलब पिछली बार का पेपर था, पिछली बार जो प्रीलियम्स का पेपर था वो उतना ईजी नहीं था। पिछली बार का जो पेपर था वो टफ था, पर SBI क्लर्क का जो पेपर आया था वो बिल्कुल इसी तरह का था जैसा कि SBI PO का था, थोड़ा सा उससे ईजी होगा। तो उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं प्रीलियम के कट ऑफ में, पर फिर भी आप ऐसा मत सोचिए कि इसमें होगा ही नहीं, ज़रूर होगा अगर आप मेहनत करोगे तो। अगले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जिनका क्लियर नहीं हुआ है वो, और जिनका हो गया है वो तो पूरी तरह से फोकस कर दीजिए। और जो LD, VI, HI कैंडिडेट्स है उनका भी हाई पर ही गया है कट ऑफ, सिर्फ HI का कम गया है। तो ये ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही ईजी था, ओके। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय।